स्थिरचरणिकरव्यापिभिर्व्यक्तलोकान् पुनरपि भीषणोद्भाषितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परमं प्रेतानं ब्रह्मयत्तं नतोऽस्मि। कट जा रहा है हमारे से, आगे द्वितीय प्रकरण वैतथा माने जो जैसा है उसका विपरीत और उसका भाव वैतथ तथा मीन्स द थिंग एज इट इज, बी मीन्स इट्स द ऑपोजिट ऑफ इट, द थिंग एज इट इज नॉट एंड द नेस दैटनेस वैतथम द्वितीय प्रकरण। ये जो है मिथ्यात्व के भाव बैठा हुआ है, मिथ्यात्व के भाव बैठा कहाँ इस संसार में, इसको पहले श्रुति वाक्य के सारे प्रथम प्रकरण में आगम प्रकरण में श्रुति प्रमाण के आधार पर जगत पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है ऐसा दिखा है। अब जो है उसी को श्रुति अनुकूल तर्क के द्वारा सिद्ध करके दिखा दिया कि ये जगत में युक्ति के द्वारा भी दिखाया कि जगत में पारमार्थिक सत्य नहीं है। इस प्रकार से श्रुति और युक्ति के आधार पर जगत के मिथ्यात्व सिद्ध होने पर जगत मिथ्या सिद्ध करने के लिए दृष्टांत तो क्या दिए थे हमारे पास, स्वप्न विमतम मिथ्या दृश्यत्व दृश्यत्व हेतु जड़त्व परिचिन्न है ही, उसमें जो तीन दृष्टांत करो स्वप्न वर मायावत गंत्र तीन दृष्टांत। स्वप्न में जैसा शाब्दिक वस्तु को देखते हैं, शाब्दिक वस्तु हम स्वयं निर्णय करते हैं उठने के बाद, जब तक सोते हैं तब तक नहीं, तब तक हम निर्णय करते हैं कि जिस समय मैं देख रहा था उस समय भी वस्तु यहाँ पे नहीं थी। ठीक इसी प्रकार जादूगर जब तक जादू दिखाते हैं तब तक वो सच करते हैं, जैसे हम जादू वो दिखना बंद हो जाता है तो बाहर आ जाते हैं, उतना ही दिखाई पड़ता है जितना जादूगर दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं उतना ही देखते हैं। और गंधर्व नगर अपनी कल्पना से नगर बना लिया, बादल को देख कर तो वहाँ पे सारा व्यापार हो रहा है, एक हवा का झोंका आया बस सारा नगर उठा के ले गया। ये जगत भी ऐसा ही है, इसलिए यहाँ पे व्यासदेव जी के महाभारत के श्लोक को बताए थे भगवान भास्कर, तम सभ्रणिगम दुष्टम वर्ष उद्भूत सन्निगम है, अंधेरा में जैसा चित्र दिखाई पड़े वस्तु चित्र जैसा दिखाई पड़ता है और उसकी स्थायित्व तो कहाँ कहाँ तक है, जैसे कि नए वर्षा के बुदबुद हो जाए इतना ही, नाश प्राय सुखाधीन उसमें वो भय नहीं वस्तु आदि, इसमें सुख के नाम गंध भी नहीं है, है ना, नाशोत्तर अभाव का और जो क्या होता है नाश होने के बाद इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इस प्रकार संसार की पारमार्थिक स्थिति है ऐसा कहना चाहती है श्रुति, उपनिषद श्रुति स्मृति में ऐसा कहना चाहती है। इसी को हमारे मांडू को कारिका का एक श्लोक में जो है यहाँ पे कह देते हैं, मतलब पूरा दो अध्याय की जो सार है उसको इस श्लोक में कह दिया, दो अध्याय नहीं दो प्रकरण का जो सार है उसको इस श्लोक में कह दिया। एक साथ श्लोक को कल हम पढ़ लिए थे, आज फिर उस श्लोक को दोबारा पढ़ेंगे एक साथ मिल करके। न निरोधो न च उत्पत्तिः न वर्धो न च साधकः मुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। न निरुद्धो
किसी चीज के नाश करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वस्तु अगर परमार्थी वहां पे होती तब तो आप उसको नाश करने के लिए ओजा खाते या ढूंढते। रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा है, रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा है जो सर्प, उस सर्प को मारने के लिए आपको किसी प्रकार के औजार हथियार की आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र ज्ञान ही पर्याप्त है। ज्ञान ही पड़े कि वहां पे रज्जु ही है, सर्प नहीं है, वही सर्प नाश के लिए पर्याप्त होते हैं। इसलिए ये जो चित्तवृत्ति निरोध अथवा संयम आदि ये सब को आपने इंद्रियों को मन को सब तत्व मान्यता दे करके और ये हमारे मन को बाहर किसके बाहर ले जाता है, इसको संयम करना चाहिए। यदि ये निश्चय हो जाए कि संसार की सारा वस्तु मिथ्या ही है, जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले वस्तु को लेकर के कभी भी हम उठ करके विचार ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते। अब छोटा बच्चा अलग बात है, जब तक जो मैच्योर हो गया सपने में कुछ भी देखा उसको लेकर के माथा पच्ची नहीं करते। ठीक इसी प्रकार ये जागतिक वस्तु भी सपनों की तरह है। आप अपने गुरु वाक्य को सुन करके जग गया ना, इसलिए कोई इसके लिए चिंता ही मत करो, निरोध करना है कि रोकना है कुछ नहीं करो, बस मन को, इसका मतलब ये नहीं कि मन मर्जी करो, ध्यान देना, कुछ नहीं करो, ना निरोध करो, ना मन मर्जी करो, ना शास्त्र प्रेरित करो, ना लौकिक करो, ना लौकिक कोई कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो करने की इच्छा होता है उसको ना करो, क्योंकि उसमें कोई पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुई। यदि वस्तु वहां पे पारमार्थिक होती, यदि सर्प वहां पे कोई रज्जु से सर्प की उत्पत्ति परिणाम रूप में हुआ होता तब तो उसको तोड़ने के लिए खड़ा कर देते, तोड़ने के लिए लकड़ी से फेंक दिया था, लकड़ा टूट गया, मतलब जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई उसके नाश कैसे करोगे। और जब उत्पत्ति नहीं हुई तो ये जो बंधन कहां से आएगा, न बद्ध न साधक। तो संसार में एकमात्र शुद्ध चेतन मात्र विद्यमान है, कि बंधन किसकी है और बंधन से मुक्त होने के लिए साधन भी कौन करेगा, न बद्ध न साधक, ये सब हमारी कल्पना है, सारा कल्पना है। और मैं ये अच्छा साधक है, ये साधन नहीं करता, साधन से ये फल मिला, जितना भी हम बोलते हैं ये सारा ही मानव को कारिका की दृष्टि से सारा ही कल्पित है। कुछ नहीं करना है, बस शुद्ध आत्मा को, शुद्ध ज्ञान स्वरूप को, बस इतना ही पर्याप्त है, उसमें कुछ भी नहीं है, सारा कल्पना ही था। परंतु क्या होगा जब बंधन नहीं है तो मोक्ष कौन होगा, मोक्ष भी नहीं है। बंधन के अनुभव करे तब मुक्त होने के लिए प्रयास करे। मोक्ष मतलब मुक्त होने की इच्छा को बोलते हैं मुमुक्षा। अतः जस्य अस्ति, इस प्रकार मुक्त होने की इच्छा जिसके अंदर है वो हो गया मुमुक्षु। अब जब उसको समझ में आ गया कि अरे ये सारा भी जो हमने अपने से जहां तक दृश्य वस्तु है कि मिथ्या अभिमतम मिथ्या दृश्यत्व स्वप्नवत, दृश्यत्व कहां तक सही है, दृश्यत्व कहां तक आगे पहुंचता है बताओ, दृश्यत्व आपको कहां तक है, दृश्यत्व रूप धर्म कहां कहां क्या किस हद तक जाता है, किस हद तक आता है, सारा ही मिथ्या है, मन सब कल्पित वस्तु है, तो किसको साधन करोगे, किसको लेकर के साधन करोगे, कल्पित वस्तु को लेकर के तो कुछ साधन नहीं होता ना, उसमें कुछ परिवर्तन होना संभव है ना, कल्पित वस्तु में कुछ परिवर्तन होना भी संभव नहीं है। इसीलिए जो है यहाँ पे सीधा सीधा बोलते हैं ना निरोध न चाहे उत्पत्ति, क्योंकि वहाँ पे उसकी उत्पत्ति नहीं हुआ, ये बंधन तुमने कल्पना किया और इसीलिए बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास भी करते हो, और तभी अपने को साधक मान के अपने को अच्छा लगता है कि मैं कितना अच्छा साधक हूँ, साधन करो, ये सारा ही तुम्हारी कल्पना है, कल्पना है। इसलिए बोलते हैं अपने आप ही हम निश्चय कर लेंगे। इतना दिन जो भी कुछ हमारा प्रयास था वो क्या है कि मतलब बिना पानी में तैरना जैसे, ये तो कोई पारमार्थिक वस्तु है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको क्या खतर किया, परंतु जब तक नहीं जाते हैं तब तक सपने में देखे वस्तु की तरह ये भी सत्य जैसा दिखते हैं। देखिए आज हम लोग भाष्य में प्रवेश करते हैं, टीकाकार लिखने भाष्यकार के उद्घाटन है, प्रमाण युक्तिभ्याम द्वैत मिथ्यात्व प्रसाधनेन
अद्वैतम एव पारमार्थिकम इति स्थिते, ठीक है ना। प्रमाण और युक्ति के द्वारा द्वैत की मिथ्यात्व प्रसाधनेन, मतलब द्वैत ही मिथ्या इसको सजा करके दिखा देने के कारण अद्वैत एव पारमार्थिकम, अद्वैत पारमार्थिक है, पारमार्थिक इति स्थिते, ये जब निश्चय हो जाता है निर्धारितम अर्थम, तो इसलिए इससे निर्धारण किया गया दिद विषय को, उस विषय को संक्षेप में कहते हैं मांडुकायकता न निरोध न चरुत्पत्ति। भगवान वासुदेव क्या कर रहे हैं, श्लोक से तात्पर्य, श्लोक में तात्पर्य क्या है उसको कहते हैं भगवान वासुदेव। अब भाष्य में आ जाइए, प्रकरणार्थ उपसंहरणार्थ अयम श्लोक, दो प्रकरण अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या, आगम प्रकरण और वैतथ्य प्रकरण, ये दोनों प्रकरण में जो विषय निश्चय हुआ उसको संक्षेप में यहाँ पे कार्यकर्ता कहना चाहते हैं, ऐसा भाष्यकार बोल रहे हैं। प्रकरणार्थ प्रकरण के द्वारा जिस विषय निश्चय हुआ, उपसंहरणार्थ उसको संक्षिप्त रूप में कहने के लिए अयम श्लोक श्लोक आता है, तो निरोध न जो उत्पत्ति। अब देखिए भाष्यकार बोलते ज्यादा वितथम द्वैतम आत्मा एव एक परमार्थ सन तदा इदम निष्पन्नम भवति, जिस समय वितथम द्वैतम जितना भी द्वैत प्रपंच दिखाई दे रहा है वो सारा मिथ्या है, वितथम द्वैतम द्वैत प्रपंच जितना दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, तो कौन सत्य है, आत्मा एव एक परमार्थ सन, एक आत्मा ही पारमार्थिक सत्य वस्तु होते हुए ऐसा निश्चय होता है, तदा इदम निष्पन्न भवति, उस समय हम इस निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं, क्या पहुंच सकते हैं, सर्वो अयम लौकिको वैदिकस्य व्यवहार अविद्या विषय एव इति, ठीक है ना। जब हमारा पूरा निश्चय हो गया, क्या निश्चय हो गया कि जितना भी द्वैत प्रपंच है सब मिथ्या ही है, तो क्या हो जाएगा, चाहे वो लोक व्यवहार हो चाहे वैदिक व्यवहार हो, वेद का हमने कैसे जाना कि जगत मिथ्या है, ये कैसे पता लगता है हमको, शास्त्र वाक्य से, वेदांत उपनिषद वाक्य से पता लगता है। अब जब हम उपनिषद वाक्य से पता लगता है, ये उपनिषद वेद अज्ञान के अंतर्पति है कि ज्ञान के अंतर्पति है, अज्ञान के अंतर्पति, यहाँ तक भी मिथ्या से हो जाएगा, ये शंका उठाया कि मिथ्या वस्तु सत्य का ज्ञान कैसे होगा, मतलब मिथ्या वस्तु से सत्य का ज्ञान ऐसे होता है, जिस प्रकार देखो एक एक संख्या है उसके पहले एक जीरो दो जीरो लगाओ, आपके अंदर कुछ बोध उत्पन्न होता है कि ये दस है ये सौ है, वो रेखा का मिथ्या है कि वो अलग अलग व्यभिचार करता है, अलग अलग भाषा में अलग अलग लिपि में अलग अलग लिखा जाता है, उसको कोई पारमार्थिकता नहीं है, मतलब फिर भी वो एक संख्या संबंधित बोध उत्पन्न कर देता है, शंका संबंध बोध उत्पन्न, यहाँ पे बोलते हैं कि इसके लिए चिंता मत करो, सर्व अयम लौकिक वैदिकस्य व्यवहार, जितने सारे लौकिक व्यवहार हो चाहे वैदिक व्यवहार हो, लौकिक व्यवहार तो मानने के लिए मन तैयार हो जाता है, परंतु वैदिक व्यवहार धर्म आचरण भी मिथ्या है ये मानने के लिए मन थोड़ी तैयार होता है, बहुत कठिनाई होता है, वैदिक व्यवहार मतलब धर्म आचरण, शास्त्र निषिद्ध कर्म हम नहीं करते हैं और विहित कर्म हम करते हैं, तो धर्म आचरण के द्वारा पुण्य पुण्य सुख मिलता है, जब ये हमको पता लग गया और अनुभव भी करते हैं तब ये भी मिथ्या है, ये कैसे निश्चय कर, आप जरा से सोचिए इस चीज को, ये जो सुख हमें सोच दिखाई दे रहा है, ये पुण्य के निमित्त से जो तात्कालिक सुख दिखाई दे रहा है, ये भी कोई पारमार्थिक सुख है क्या, वो तो अभित व्यभिचारी सुख है, अभित व्यभिचारी सुख है, जिस मतलब चाहे स्वर्गलौकिक सुख हो चाहे ब्रह्मलोक के सुख हो चाहे इहलौकिक सुख हो, जिस सुख के पीछे हम दौड़ रहे हैं वो सुख भी तो कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, फलत होगी क्यों, क्यों पारमार्थिक नहीं है कि लौकिक अथवा वैदिक आचरण से वो अपने आप अनित्य होने के कारण उसके द्वारा जो प्राप्त फल होता है वो भी अनित्य ही होता है, पारमार्थिक नहीं हो सकता है, वो अनित्य ही होगा, तब हम उसको सत्य की मान्यता देकर के व्यवहार करते हैं और उसको उसको निकालना बहुत मुश्किल पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं सर्व अयम लौकिको वैदिकस्य व्यवहार अविद्या विषय एव इति, वो अज्ञान का ही विषय है, ये बोला लगा के बोलते हैं अज्ञान का ही विषय थी, जब एक स्थिति हो गया मतलब जो भी कुछ हमें लौकिक और वैदिक व्यवहार है तदा न निरोध
तब निषिद्ध कर्म भी नहीं करो, भीत कर्म भी नहीं करो, न निरोध कुछ भी शास्त्रीय व्यवहार नहीं करके, मतलब अपने को माइंड को रोकने के लिए, चित्तवृत्ति को निरोध करने के लिए, अंतकरण शुद्ध करने के लिए आप जो है ये शास्त्रीय कर्म करो अथवा योग अभ्यास करो, समझ जब तक हमारे बुद्धि में दृढ़ रूप से नहीं बैठता तब तक हम नहीं छोड़ सकते, और इसका बुद्धि में बैठने के लिए कुछ अंतकरण शुद्ध होना चाहिए, वो अंतकरण की शुद्धि तो पहले शास्त्रीय कर्म से होता है, परंतु उसके बाद ये निश्चय करते हैं कि ये शास्त्रीय कर्म भी हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे पुण्य बन जाएगा, भावी प्रतिबंधक के लिए हेतु बन जाता है, भावी बंधन के लिए हेतु बन जाता है पुण्य कर्म भी। नाश करना, मन को शुद्ध करना, चित्त शुद्धि करना, चित्त वृत्ति को निरोध करना, अथवा वैदिक जाति कुछ भी उसके लिए नहीं करूंगा ये करूंगा, दोनों प्रकार की चिंता को मन से हटा देना। निरोधन क्या है? निरोधन निरोध प्रलय, मतलब सभी वस्तु को लय कर दो। जो कल हमारे पास वहां पे आया था ना, शास्त्र क्या बोल रहे हैं, ये बोलते हैं इंद्रिय भी परा अर्थ अठे वश्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि रत्न महान पर महान पर महान पर महान पर पुरुष पर पुरुष न पर किंचित सकाष्ठ स परा वंशत पता नहीं फिर आगे क्या बोलते हैं जच्छेद वान मनुष्य प्राग्मत जच्छेद ज्ञानमात्मा ज्ञानमात्मा वहाँ भी नहीं अच्छे जच्छेद शांत मनुष्य उसमें आगे और भी बोलते हैं कि दृश्यते तु अग्र बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म इतना सारा साधन कर लो मनुष्य अपने स्वामनुष्य कथा के साधन के रूप में वर्णन किया और मांडव को कार्य करता है यहाँ पे आके बोलते हैं ये भी अविद्या का ही विषय करता है ये भी तुम्हारी कल्पना है बिल्कुल सही है अंतकरण शुद्ध हुए भी नहीं समझ में नहीं आता मन मानने के लिए तैयार नहीं होता निरोधनम निरोध प्रलय उत्पत्ति जननम सृष्टि होना बद्ध संसार बद्ध कौन है संसार संसरण करने वाला जीव साधक साधनवान संसार से मुक्त होने के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति हो गया साधक साधन वाला व्यक्ति को साधक बोला जाता है मोक्षस्य इसके साथ का साधन करता है वो मुक्ति के लिए चेष्टा करते हैं अरे मुमुक्षु मोक्ष मतलब मोचनार्थी मतलब मुक्त होना चाहता है मोचनार्थी मुक्त हो जाता है मुक्त मतलब विमुक्त बंध जिसका बंधन से मुक्ति अनुभव होता है ये सारा चीज। अच्छा आप बताओ एक कोई इज्जतदार व्यक्ति यदि मैं आपको बोलूँ सबके सामने अच्छा आपको कैसे लग रहा है कल तो आप जेल से छूट करके आए सबके सामने अगर मैं डॉक्टर सीताराम अग्रवाल जी को बोलूँ आपको अभी कैसा लग रहा है कल तो आप जेल से छूट करके आए इसका इज्जत होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार बंधन में था और जेल से मुक्त हो गया ये कोई इज्जत की बात है क्या? इज्जत आपका इसी मुक्त है आपको किसी ने जेल में बांधा ही नहीं अब हमने साधन करके मुक्त हो गया भाई नहीं अब दिखाई दे रहे प्रतीति हो रहा है आप मान्यता देकर के व्यवहार कर रहे हो अविद्या है नहीं यदि अविद्या कारणार्थ को तो निवृत्ति कैसे होगी भाव वस्तु को मानते हैं भाव ये सृष्टि को मानते हैं तब विद्या विरोधी भाव वस्तु को मानते हैं आर्य पर सृष्टि मान्यता नहीं है तब तक इसकी आवश्यकता क्या है सृष्टि हुई नहीं जब सृष्टि हुई नहीं जब सृष्टि की मान्यता दोगे तब हम अविद्या को मान्यता दें जब सृष्टि हुई नहीं कह रहे वहां तब कहां से अविद्या की आवश्यकता है समझ में आ रहा है ये स्थिति हो रहा है हम जब बोलते हैं हम साधन करके इतना मुक्त हो गया ये किया सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया ये हमारा इज्जत नहीं बढ़ता इससे विलंबित दृष्टि से मान लो कार्य का बहुत बड़ा चार्ज बोल गया इससे तुम्हारा इज्जत नहीं बढ़ेगा उससे अच्छा है पहले से मन को शांत करें ये सब कुछ है ही नहीं निश्चय करके बिल्कुल शांत होकर के बैठो ना निरोध न च उत्पत्ति न बद्ध न साधक इसको बोलने के लिए सर्व अयम लौकिक वैदिक व्यवहार अविद्या विषय एवं तदा न निरोध निरोधनम निरोध प्रलय मतलब नाश करना उत्पत्ति जननम बद्ध है ना उत्पत्ति मतलब हो गया सृष्टि होना जन्म बद्ध कौन हो गया संसारी जीव है ना जो बंधन में अपने को मानते हैं और साधक कौन हो गया ये जीव मतलब बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति मोक्ष साधनवान
मुमुक्षु कौन हो गया? मोचनार्थी, मुक्त होने की इच्छा करते हैं। मुक्त मतलब कौन गया? विमुक्त मतलब। ऊपर जितना पद अनिरोध उत्पत्ति बद्ध साधक मुमुक्षु मुक्त, ये कुछ भी नहीं है, सब क्या के नौ लगा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, ये पारमार्थिक स्थिति लोग हैं। उत्पत्ति प्रलयोर अभाव, क्योंकि पहला भाव विकार और अंतिम भाव विकार, छह भाव विकार है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यते, दोनों को आपने मुख्य श्रुति निषेध कर दिया कि इसकी उत्पत्ति भी नहीं होती नाश भी नहीं, तो बीच वाला जो भाव विकार है वो नाश आएगा। इसलिए आप बोलते हैं उत्पत्ति प्रलयोर अभावा, उत्पत्ति और प्रलय दोनों का ही अभाव है। श्रुति ने ना जायते बढ़ियते वा कदाचित ना भूता भविष्य भगवत, उसमें यही बात बोलते हैं है ना, ये आत्मा में ना जन्म है ना मृत्यु है, ना कुछ बंधन है ना मुक्ति है, कुछ भी नहीं है। उत्पत्ति प्रलयोर अभावात् बद्धादयो न सन्ति इति एषा परमार्थता, क्योंकि उत्पत्ति और प्रलय दोनों पारमार्थिक है ही नहीं, क्योंकि शास्त्र ने जिस तत्व को जगत के मूल उपादान कारण के रूप में दिखाया उसमें परिणत होने का धर्म गुण ही नहीं है, निर्गुण है, निर्गुण निराकार निर्विशेष निरवय, परंतु कहां से उत्पत्ति हो पाएगा? इसलिए वह तो उत्पत्ति प्रलयोर अभाव, उत्पत्ति और प्रलय दोनों का अभाव होने के कारण बद्धादयो नाशन्ति, जो बंध साध मुक्ति मुक्त ये कुछ भी नहीं है, यही पारमार्थिक स्थिति है। इति एषा परमार्थता, अब हमने ये उत्पत्ति हुई नहीं, ये आप कैसे बोल रहे थे? आप स्वप्न देख रहे हो, अब हमको हमको सामने दिखाई दे रहा है कि सृष्टि वस्तु दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और आप बोलते सृष्टि हुई नहीं, यानी कि आप भ्रांत है हम भ्रांत नहीं है, ऐसा वेदांतिक ऊपर पूरा बोर्ड पर जाकर और आक्षेप करते हैं। कथम उत्पत्ति प्रलय अभाव इति उच्यते, आप किसके आधार पर बोलते हो कि उत्पत्ति और प्रलय का अभाव है? मनोकल्पित चीज को चीज बोल दिया थोड़ी मानेंगे, तथा हम एक भी शब्द हमने मनोकल्पित नहीं बोल रहे हैं, शास्त्रों को निचोड़ करके जो सार निकाला उसी को मैं आपके सामने कह रहा हूँ, शास्त्र के सार को मैं आपके सामने कह रहा हूँ। गौर पत्र की प्रतिज्ञा है, इसमें बोलते हैं प्रथम उत्पत्ति प्रलय और अभाव यदि उच्यते, तो उत्तर क्या दिया पहले भाषा द्वैतस्य असत्वात् है ना, द्वैत पारमार्थिक नहीं होने के कारण उसकी विद्यमानता ही नहीं है, द्वैत असत्व असत बोल दिया, असत असत है वो है ही नहीं, द्वैत असत्व कैसे पता लगा? वो तो श्रुति बोलती है जत्र ही द्वैतम इव भवति, श्रुति अपने आप द्वैत में इव लगा करके बोल रहे हैं, जिस ये वृद्धांत श्रुति है, ये वृद्धांत श्रुति है, यत्र हि दैतम इव भवति, जिस समय आपको ये दैत जैसा प्रतीति होती है, त इतर इतरम पश्यति इतर इतरम जिघ्रति, यत्र सर्व आत्मैवा भूतत्वेन कं पश्यति, इसलिए देखो दूसरा बात भी दैत को निश्चित करता है, जय नाना इव, देखिए दैतम इव नाना इव मृत्यु समृत्यु मात्रति, जय नाना इव पश्यति, कठो उपनिषद जय नाना इव पश्यति, जो यहाँ पे इस प्रकार भिन्नता देखते हैं ना वो क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है ना, जय नाना इव, श्रुति अपने आप इव करके बोल रहे हैं, ये गौड़पदाचार्य का भाष्यकार का लिखा हुआ नहीं है, श्रुति वाक्य इव जो नाना जैसा देखता है, मतलब जैसा मतलब जहाँ पे नाना तो नहीं है वहाँ पे नाना तो देखना, जहाँ पे भेद नहीं है वहाँ पे भेद को देखना, इसलिए इव लगा करके बोल रहे हैं अपने, अब ठीक है ये तो नहीं है तो है क्या, ये नहीं है और क्या है, आत्मा एव इदं सर्वं, देखो बोल रहे यहाँ पे आत्मा एव इदं सर्वं, ये भेद नहीं है अभेद ही है, अभेद ही है, इसलिए आत्मा मतलब स्वरूप एक आत्मा शुद्ध चेतन का हो वही है, बाकी भेद नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिए आत्मा एव इदं सर्वं, आत्मा ही है एकमात्र, केवल कहीं पे आत्मा शब्द के द्वारा बोला, कहीं पे ब्रह्म शब्द के द्वारा बोला, कहीं पे सत शब्द के द्वारा बोला, आत्मा वेदगुम सर्वम ब्रह्मे वेदगुम सर्वम सदैव सुमे दमाग्रे आचरित प्रकार से अलग अलग शब्द प्रयोग तो करते हैं, परंतु यहाँ पे जो है पारमार्थिक यही है, बाकी भेद नहीं है, देखिए दोनों चीज दिखाए, मतलब अन्य व्यतिरिक दोनों दिखा रहे हैं, भेद नहीं है, क्या है, आत्मा ही है, निश्चय करो सभी बात को, निश्चय करो आत्मा एव इदं सर्वम, ब्रह्म एव इदं सर्वम्, एकम एव अद्वितीयम् इदं सर्वम् जलयम् आत्मा, ये जो भी कुछ आपके सामने दिखाई दे रहा है ना ये आत्मा मात्र है, इत्यादि नाना श्रुतिभ्य, इस प्रकार के एक श्रुति नहीं अनेक श्रुतियों से
इत्यादि नाना श्रुति इस प्रकार अनेक श्रुति वाक्यों से क्या होता है द्वैतस्य असत्तम सिद्धम द्वैत प्रपंच की मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। अच्छा भाई क्यों असत्तम बोला सत ही उत्पत्ति प्रलय भाषा न असत ठीक है ना असत वस्तु की उत्पत्ति प्रलय नहीं हो सकता सत वस्तु की उत्पत्ति प्रलय होना संभव है। तो जब आपने द्वैत द्वैत से असत्तम बोला यानी असत होने के कारण उसकी उत्पत्ति प्रलय होना संभव नहीं ममता पुत्र की ना उत्पत्ति है ना नाश है। कोई भी कहे कि अच्छा बताओ ये जो मनुष्य की सिंह दिखाई पड़ रही इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है मनुष्य की सिंह तो कभी दिखाई नहीं पड़ता तो डेट ऑफ बर्थ कहाँ से लाया गया और फिर उसका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं हो सकता तो बस कल्पना ही मात्र था जब आपने वो कल्पना किया इसीलिए हम श्रुति यहाँ पे बोलते हैं इत्यादि नाना श्रुति द्वैतस्य असत्तम सिद्धम सत ही उत्पत्ति प्रलयोभाष्य न असत सशविशानादे सत की तो उत्पत्ति होना संभव है परंतु असत जिसकी विद्यमानता ही नहीं है उसकी उत्पत्ति और नाश कहाँ से होगा। अब कौन सा सत है देखो विद्यमान वस्तु सत्मा का यहाँ पे शुद्ध शक्ति का अबाधत्तम सत्यत्तम वो सत हम नहीं बोल रहे यहाँ पे जो विद्यमान वस्तु आपके सामने दिखाई दे रहा है उसको लेकर के तो प्रश्न हो सकता है कि कब आया कहाँ से आया ये तो प्रश्न हो सकता है जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको लेकर कहाँ से प्रश्न होगा ये बात यहाँ पे ये भी हम बोल रहे हैं सत ही उत्पत्ति प्रलयोभाष्य सत की उत्पत्ति अथवा प्रलय होना संभव है न असत है ना उसका देखिए असत का दृष्टांत देखिए ये बोला सर्व विषानादे है ना कि खरगोश के सिंह आदि का उत्पत्ति होना संभव नहीं है। वहां पे देखिए इसके शब्द शब्द का अर्थ क्या लिख दिया देखो एक नंबर टिप्पणी है क्या लिखा विद्यमान जो विद्यमान वस्तु दिखाई दे रहा है उसके बारे में तो प्रश्न हो सकता है इसकी उत्पत्ति जैसे हम लोग जन्मदिन मनाते हैं किसके जन्मदिन मनाते हैं शरीर की जन्मदिन मनाते शरीर सामने दिखाई पड़ता है आत्मा तो नहीं दिखाई पड़ता है जो शरीर सामने दिखाई पड़ते हैं उस शरीर की जन्मदिन कब है ये अजन्म का तो जन्म हो नहीं सकता जिसके हम अपने को आत्मरूप निश्चय कर ले हमारा जन्म मृत्यु कुछ है ही नहीं और पंत इस शरीर को रहते रहते ही उसको समझना है और इसलिए यहाँ पे उस शरीर को हम लोग थोड़ा सा जन्म दिन अथवा उसका आराधना दिन मनाते हैं परंतु वास्तविक जो जिसकी दिखाई पड़ता है उसको तो जन्म अथवा नाश को लेकर भी विचार किया जा सकता है जो दिखाई नहीं पड़ता उसको जन्मदिन भी क्या है अथवा मृत्यु दिन भी क्या है इसका विचार नहीं होता इसलिए सत ही उत्पत्ति प्रलय भाषा देखिए कि उत्पत्ति और प्रलय मतलब निरोध और उत्पत्ति इन दोनों जो है सत वस्तु की होना संभव है असत की तो होना संभव ही नहीं मिथ्या वस्तु की होना संभव ही नहीं है ये इसका विपरीत अर्थ है। नापि अद्वैतम उत्पत्ति लियते वा आप ये दिखाओगे नहीं नहीं अद्वैत की उत्पत्ति अथवा नाश होती है अद्वैत कैसे रह जाएगा भेद रहित वस्तु में उत्पत्ति मतलब क्या क्रिया हुई नाश भी एक क्रिया हुई और क्रिया करने के लिए कुछ ना कुछ कारण भी चाहिए कुछ ना कुछ कारण भी चाहिए इसलिए जो है और क्रिया हमेशा परिच्छिन्न वस्तु में होता है इसलिए अद्वैत जब एक ही पूर्ण भेद रहित तत्व है वहां पे उत्पत्ति अथवा नाश कैसे होना संभव है ना कि अद्वैत आप कहेंगे नहीं नहीं द्वैत की उत्पत्ति नहीं है तो अद्वैत की उत्पत्ति होती है अरे अद्वैत की उत्पत्ति है नाश होगा तो अद्वैत ही नहीं कहा जाएगा अद्वैत ही ना कहा जाएगा इसीलिए दश श्लोक में अंतिम श्लोक है न किंचित मदन्न द्वितीयं कुतस्पाद् न च केवलं न च केवलत्वं न शून्यं न च शून्यम् अद्वैतकत्वात् कथं सर्ववेदान्त सिद्धं ब्रूहि ऐसे कौन से तरीके वेदांत सिद्धांत है कुछ आपने आप देखिए हमारे आचार्य की स्पष्टता कितना है देखिए ये वेदांत के अगर अद्वैत सिद्ध नहीं तो अद्वैत स्वत सिद्ध है इसको उत्पत्ति नाश कुछ भी आप शून्य अशून्य केवल अकेवल कुछ भी नहीं कहा जाता है भेद रहित भी है और उत्पत्ति नाश वाला भी है ये आपका विरुद्ध कथन है
या कबीरत्व करने अद्वयम च वो भेद रहित है और उत्पत्ति प्रलय वत्चार उत्पत्ति प्रलय वाला भी है यदि विप्रतिषिद्धम ये आपका विरुद्ध कथन हो गया। जस्तु पुनः द्वैत संव्यवहार अब तक प्रश्न होगा जो जब अद्वैत है अकेला है तो भेद व्यवहार होता कैसे मेरे ख्याल ये प्रश्न होगा जब आपके पास एक ही वस्तु है अरे आप वेदांती आप बोलते रहे तो फिर इसकी किसके लिए लिखे होगा आपको यदि भेद नहीं दिखता तो किसके लिए आप प्रतिपादन कर रहे हो भेद तो आपको भी दिखना होगा तो बोलते हैं जस्तु पुनः द्वैत संव्यवहार और ये जो हम लोग भेद दृष्टि को लेकर द्वैत में व्यवहार करते हैं ना सब व्यवहार कैसा है रज्जु सर्पवत रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प के समान वहां पे वस्तु नहीं है कल्पना का क्या व्यवहार करते हैं क्या व्यवहार करते हैं मेरे को काटेगा वहां इतना मोटा सर्प है भागते भी है ठोकर खाते हैं गिरते हैं बीमार पड़ते हैं सर फूटते हैं उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं क्या कारण था वहां पे उस सर्प का भी तीनोकल्प है नहीं केवल मनोकल्पित सर्प से हमारे इतना प्रारब्ध भोगना पड़ रहा है हम बोलते हैं प्रारब्ध भोगना पड़ता है मनोकल्पित कल्प से एक सर्प है वहां पे हमने सर्प देखा सर्प देखने के बाद डर लगा डर लगते हैं हम सोचा अरे इतना मोटा सांप काटेगा मेरे को भागना शुरू करते हैं सामने देखा ही नहीं था उस समय एक ईंटा का पत्थर मुझे ठोकर खाया गिरा सर भी फूटा ठीक इसी प्रकार से ये बाकी बाहरी प्रपंच नहीं ये सर्व समान अपना शरीर है इसको अपना मैं मान्यता दे दिया कि मैं हूँ जैसे ही मैं मान्यता दे कि वहां पर सर्व है इसी प्रकार ये सर्व यहाँ पे है मान्यता देते ही अब है इसको सुखी दुखी के साथ हम तादात्म्य कर लेते हैं शरीर के सुख दुख के साथ हम तादात्म्य कर लेते हैं तद अनुकूल राग्य तद अनुकूल व्यवहार होता रहता है और कल्पित वस्तु से भी व्यवहारिक व्यवहार होता है ये स्वाप्निक दृष्टान्त सबको पता भी लगता है इसलिए हमें बोलते हैं जस्तु पुनर द्वैत संव्यवहार स रज्जु सर्पवत आत्मनि प्राणादि लक्षण कल्पित इति उक्तम पहले बोल कर आया प्राणादि से लेकर के जितना भाव मतलब आत्मा के लिए जितना उपयोगी वस्तु है सारे उपयोगी वस्तु को हम कल्पना कर देते हैं सारे उपयोगी वस्तु कहाँ से शुरू करते हैं प्राण से लेकर के प्राण नहीं होगा तो शरीर कैसे चलेगा तो प्राण की कल्पना फिर उसमें भेद उत्पन्न किया फिर प्राण को चलाने के लिए क्या हो गया अन्नमय सौम्य मानो आपोमय प्राण तेज वही बहा तो फिर पानी पियो खाना खाओगे सब जो है उसी के पीछे चलता है एक एक ही कल्पना जो है आगे फिर उसकी तत्व को प्रसारित करते जाते हैं जैसे रज्जु सर्पवत आत्मनि जिस प्रकार रज्जु को द्वैत व्यवहार के लिए जिस प्रकार रज्जु के ऊपर सर्प पशुक्ति के ऊपर चांदी अथवा मरुभूमि बालुका के ऊपर पानी जो भी कुछ हमारे व्यवहार के लिए हेतु बनता है ठीक इसी प्रकार आत्मा में इसी आत्मा में प्राणादि लक्षण चाहे समष्टि प्राण से शुरू करो चाहे व्यष्टि प्राण से शुरू प्राण आदि प्राण करता है राइट फ्रॉम द हिरण्यगर्भ आदि मतलब बिगिनिंग फ्रॉम दैट फिर उसके बाद पहले क्या करते हैं हम पहले प्राण की कल्पना करते हैं अहंकार के साथ प्राण मिल गया फिर अहंकार से बुद्धि बुद्धि से मन मन से अपने संस्कार को देखने लगते हैं फिर इंद्रिया से शरीर इस प्रकार क्रम से हम बाहर की ओर आते रहते हैं और फिर बाहरी वस्तु के व्यवहार करते हैं फिर शरीर के बाहरी वस्तु ये अनुकूल प्रतिकूल इस प्रकार भावना करके व्यवहार करते रहते हैं इसलिए सरज्ज सर्पद आत्मनि प्राणादि लक्षण प्राणादि के द्वारा लक्षित वस्तु व्यवहार कल्पित इति उक्तम कल्पित है या पहले कहीं करके आया नहीं मनोविकल्पनाया रज्जु सर्पादि लक्षणाया रज्जाम प्रलय उत्पत्ति वा अब बताओ कि जो सर्प की उत्पत्ति हुई ना ये कहाँ पे हुई रज्जु में अथवा मन में हाँ सर्प की उत्पत्ति यदि मन में हुई होगी ठीक है ना तो मन को डस देगा आप जितना ही नहीं है तो यदि सर्प में हुई होगी बाहर तो दूसरे को भी दिखाई देगा यदि बाहर वहां पे रज्जु में सर्प उत्पत्ति हुई होती तो दूसरे को सर्प को दिखाई देगा अरे बोले वहां पे नहीं हमारे मन में है जो तुम्हारे मन में सांप उत्पन्न पारमार्थिक हो गया तो तुम जिंदा कैसे हो तुम बट मार देगा यानी उत्पत्ति किसी प्रकार से होना संभव ही नहीं है ये कल्पना ही मात्र है ये कल्पना ही मात्र है इसलिए तो न उत्पत्ति न निरोध उसको समझाने के लिए जरा अच्छी तरह से विचार करो ये मन तो बंधन में है तेरे को मुक्त होना है मन बोलता है अरे मैं कब बंधन में आया तुमने तो मेरे को लेकर के अपने को बंधन में डाल दिया मैं तो जड़ हूं मेरे में बंधन क्या है मुक्ति क्या है
मन तो जड़ है, उसमें बंधन मुक्ति क्या है? और आत्मा तो शुद्ध है, हमेशा असंग है, उसमें बंधन मुक्ति कहाँ से है? एक अद्भुत जो है जड़ और चित्त के ऐसे गांठ लगा लेते हैं, फिर बंधन मुक्ति का कल्पना करते हैं ना। वो मतलब वो जो सर को चर पर स्थान या भी बंधन मुक्ति को समझ लो। अब जिस प्रकार ना सर को रज्जु में उत्पत्ति हुई, ना सर को आत्मन में उत्पत्ति हुई, और ना दोनों अधिष्ठान में मिला करके, क्योंकि एक एक कल्पना का दो अधिष्ठान तो नहीं हो सकता है, तो किसी जगह को उत्पत्ति हुई नहीं कभी। इस एक को अगर समझ जाएंगे तो आपको कैसे मन में करेगा, किस आधार पर बोल रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर को कभी रज्जु में उत्पत्ति नहीं हुई, यदि वहाँ की उत्पत्ति हुई होती तो दूसरे भी सर वहाँ पे दिखाई देता। फर्स्ट सेकेंड, तो मन में हो, यदि आपके मन में सर की उत्पत्ति हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते, मन को रस करेगा तुरंत रस देगा, तो खाते खाते भाव है वहाँ। आप बोलेंगे दोनों को मिला करके मन और वो अधिष्ठान, इन दोनों को मिला करके सर की उत्पत्ति हुई, एक कल्पना में तो अधिष्ठान तो नहीं हो सकता, इसलिए एक उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है। उसी को मन में रखते होते नहीं, मनोविकल्पनाया रज्जु सर्पादि लक्षणाया, मतलब जो मन की विकल्प है इस रज्जु सर्प में लक्षित है, रज्जा उसको रज्जु में प्रलय उत्पत्ति बा, रज्जु में उसको बा मतलब न मन में न दोनों में सबको समुच्चय करने के लिए, नहीं न न उत्पत्ति न प्रलय बा, ठीक है ना। ही मनोविकल्पनाया रज्जु सर्पादि लक्षणाया, मन की विकल्प रज्जु सर्प के द्वारा लक्षित होता है जो वस्तु, रज्जु में ना उसकी उत्पत्ति हुई ना नाश हुई। तो देखो एक नंबर टिप्पणी, मन मनो परिणाम रूपाया, जब तक मन की परिणाम का हम बोल रहे हैं, क्योंकि मन अद्भुत बात है कि आप स्वयं सोचिए हुआ कैसे, हमने यहाँ पे रज्जु को सर्प को देखा कैसे। जब आपको किसी ने लेकर के दिखा देगा कि यहाँ पे देखो रज्जु है नहीं है, सर्प नहीं है, रज्जु ही है, ये सर्प नहीं है, ये रज्जु है, और तो कोई उठा करके दिखा देगा देखो यहाँ पे पानी नहीं है बजरी है, तो आप स्वयं आश्चर्य हो जाएंगे, अरे हुआ कैसे, हुआ कैसे, इसका कोई उत्तर नहीं है हमारे पास, हुआ कैसे, हुआ ही नहीं, हुआ कैसे, कितना भी ढूंढते हैं उत्तर नहीं मिलेगा, हुआ ही नहीं कुछ बात। इसीलिए तो बोलते हैं कि ना उत्पत्ति ना निरोध ना बद्ध ना साधन, जितना ही मनोविकल्प नाया रज्जु सर्पादि लक्षण, उसको ना रज्जु में उसको उत्पत्ति है, ना मन में उत्पत्ति है, ना दोनों मिलाकर उत्पत्ति नहीं होना संभव नहीं है। न जब मनुष्य रज्जु सर्प से उत्पत्ति प्रलय हुआ, देखिए अपने भाषा का बोलता है रज्जु में तो उत्पन्न होना संभव नहीं है, तो दुष्ट को देखता मन में उत्पन्न हुआ, मन में भी उत्पन्न होना संभव नहीं है, मन में रज्जु सर्प उत्पन्न होता है क्या, मन में तो कुछ उत्पन्न होना संभव नहीं है, तो कल्पना है, मन पे ज्यादा जो भी देखते तो कल्पना ही मात्र है। मन में यहाँ पे कोई पारमार्थिक शरीर के अंदर में पारमार्थिक कोई सांप उत्पत्ति हो गया, जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं ये हमारा कुंडलिनी है, एक सर्प जैसा है और कुंडलिनी, परंतु वो सर्प जैसा है वो सर्प नहीं है। आपको इट्स अ फीलिंग, इट्स थॉट, फ्लो ऑफ थॉट, आप जैसे जैसे माइंड को आप कंसंट्रेट करेंगे, बार बार आपका मूलाधार में आघात करते रहेंगे, तो वहां से लगेगा कि एक धारा जैसा चल रहा है, वो माइंड को केवल कंसेप्ट, यदि मन स्थिर नहीं हुआ मन वन तो आपको पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें बोलते हैं न जब मनुष्य रज्जु सर्प से मन में रज्जु सर्प की उत्पत्ति प्रलय हुआ, तो रज्जु में नहीं है मन में नहीं है, उभय ने दोनों मिलकर हो जाएगा उत्पत्ति, न जब उभय तो वह दो कल्पना की एक कल्पना की दो अधिष्ठान तो एक साथ नहीं चाहिए, एक आपका दो अधिष्ठान नहीं होते उत्पत्ति का, तथा मानसत्व अविशेषा ठीक इसी प्रकार से कि द्वैत प्रपंच केवल मात्र मानुष्य है, कल्पित है मात्र, तथा मानसत्व अविशेषा द्वैतस्य नहीं नियत। आप देखिए तब इससे क्या हो गया, द्वैत प्रपंच केवल मात्र एक मन की प्रोजेक्शन, मेंटल प्रोजेक्शन, प्रमाण क्या है, सुषुप्ति ने क्यों नहीं द्वैत दिखाई देता, समाधि ने क्यों नहीं द्वैत दिखाई देता, क्यों आपने मन को अपने वश में कर लिया। तो मन सत्य दैत्य सत्यम, मन अभाव दैत अभाव, यही तो अन्य व्यतिरिक हो रहे है ना, मनुष्य ही अमनी भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध है, बंधाय विषय संघ मुक्तो निर्विषय मन बंधाय मन एक मनुष्याणाम कारणम दत्तम ऐसे भी वह कह सकते हैं, मनुष्य ही अमनी भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध है। यदि मन को आप अमन अवस्था में ले जा सकते तो द्वैत उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि आपको अनुभव में है, आप जब सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तो सबका अनुभव है, द्वैत प्रपंच आप रहते हो,
अपने अस्तित्व को उनके समझ में आता है कि मैं उस समय जगह हुआ था, मैं तो मैं शुद्ध में गर्म छो के अलग बात है, शुद्ध में तो सोता नहीं है, परंतु वहाँ पे मन फंक्शन नहीं किया तो इसे प्रबंध कुछ भी नहीं दिखाई देता। आपको वहाँ पर समझ में नहीं आता, जागृत को सुषुप्त बना दो समझ में आ जाए। जागृत में सुषुप्ति की प्रक्रिया तो भगवद गीता में उपनिषदों में यहाँ पे स्पष्ट करके यही बोल रहे हैं कि यही समझ है वेदांति चल रहे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको कि मन को जो है नियते मनसी, मन को यदि आप अपने कंट्रोल में कर पाएंगे, श्री भगवान भाष्यकार वो जो प्रश्नोत्तर में लिखते हैं जगत जितम केन मन ही जीना, प्रश्नोत्तर में लिखते हैं जगत जितम केन, मन पूरा संसार के ऊपर मन विजय प्राप्त किया जिसने अपना मन के ऊपर विजय प्राप्त किया, एक सत्य ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं नहीं नियते मनसी सुषुप्ते व दैतम गृहते, क्योंकि माइंड यदि फंक्शन नहीं कर रहा है तब क्या होता है कि द्वैत उपलब्ध नहीं होता, द्वैत उपलब्ध नहीं होता है। तो नियते मनसि सुषुप्ति आपको बोलती है दो नंबर टिप्पणी में समाधिना निरुद्धे सति, समाधि के द्वारा यदि आप मन को निरोध कर पाएंगे तब क्या हो जाएगा, अब तरह आपको जो है थोड़ा अटपटा दिखेगा, ध्यान देना यहाँ पे। एक तरफ से बोल रहे हैं कि निरोध ना करो, न निरोध न जो उत्पत्ति, मन को निरोध का आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे क्या लिख रहा है नियते मनसी, तो वहां पे टिप्पणी में क्या लिख दिया समाधि ना निरुद्धे सति, मतलब समाधि के द्वारा मन को निरोध करने का कोशिश करो, बस यही साधन है। द्वैत प्रपंच को देखा निरोध करने का कोशिश नहीं करना, मन को जागतिक वस्तुओं सत तत्व बुद्धि बैठा करके निरोध करने का कोशिश, ये नहीं बोल रहे हैं आपको, यानी कि जब तक आपको द्वैत प्रपंच में सत तत्व बुद्धि बैठा हुआ है तब तक आप मन को जो है वहां पर जाने मत, क्योंकि वही मन ही नहीं वहां पर सत तत्व बुद्धि बना के रखा, इसीलिए मन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप खुद देख लो नहीं नियते मनसि सुषुप्ते व दैतम गृह्यते, आपके मन यदि आपके बस में है मतलब समाधि ना निरुद्धे सति, समाधि के द्वारा यदि किधर बोल पता चले बोलता है ना निरोध होना चाहिए उत्पत्ति ना, कोई मन किसी प्रकार के निरोध की आवश्यकता ही नहीं है। कब मन शांत हो गया, जब तक मन शांत नहीं होता है तब तक आपको निरोध करके मन को निरोध करने के लिए द्वैत प्रपंच में नहीं मन को निरोध करने के लिए प्रयास करना। अतो मनोविकल्पना मात्रम द्वैतम इति सिद्धम, इसलिए सारा द्वैत प्रपंच मन की विशेष भावना विकल्पना, विकल्पना विकल्प शब्द एक विकल्प एक वृत्ति है, योग दर्शन के अनुसार विकल्प एक वृत्ति है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द प्रयुक्त हो जाए तत्व हम लोग पारमार्थिक वस्तु नहीं है, योग दर्शन शुद्ध कौन है, इसलिए बोलते हैं अतो मनोविकल्पना मात्रम द्वैतम इति सिद्धम तस्मात् सूक्तम द्वैतस्य असत्वात् निरोधादि अभाव परमार्थ। इसलिए ये जो मानवों को कार्यकार ने कहा अच्छा ये उनका कथन सही है, सूक्तम सुष्ठुक्तम इट इज लॉजिकली एक्सप्लेन, क्या द्वैतस्य असत्वात् द्वैत प्रपंच नहीं होने के कारण निरोधादि अभाव है ना, उसको नाश करो अथवा उसको उत्पत्ति निरोध नाश बद्ध साधक मोक्ष मुक्त ये कुछ भी नहीं है, ये जो कहा बिल्कुल सही है, इस विषय में कोई शंका नहीं है। भाष्यकार बोलते हैं तस्मात् सुषुप्तम अशुष्टुक्तम द्वैतस्य असत्वात् द्वैतो का सत्ता नहीं रहने के कारण निरोधादि अभाव, निरोधादि का अभाव है, यही पारमार्थिक स्थिति है, परमार्थता की विभाव इसका विपरीत अर्थ है। अब इसको प्रतिगे टीकाकार क्या बोल रहे हैं अच्छा श्लोकस्य तात्पर्य अर्थम आह, ठीक है ना, श्लोक की अभिप्रेत अर्थ क्या है उसको यहाँ पे भाष्यकार कह रहे हैं, ठीक है ये बोला। अब बोल रहे हैं देखिए को असो प्रकरणार्थ तस्य वा संग्रह किम सिद्धति इति, इस दो प्रकरण मिला करके अभिप्रेत तात्पर्य अर्थ क्या ये क्या है और उसको कहने से क्या जानने से क्या लाभ होगा, ये प्रश्न गया है। को असो प्रकरणार्थ ये जो प्रकरण में जिस चीज को प्रतिपादन किया गया है वो क्या वस्तु है, तस्य वा संग्रह अथवा उसका सम्यक रूप से ग्रहण करने पर किम सिद्धति क्या सिद्ध होगा, इति आहुषि का मन में रखते कहते हैं यदा विकथम द्वैतम आत्मा एव एक परमार्थतः सन् तदा इदं निष्पन्नं भवति, क्या निष्पन्नं भवति सर्व अयम लौकिक वैदिक व्यवहारस्य अविद्या विषय एव, यहाँ बोल करके तो भाष्य का रुक है, ब्रह्मसूत्र भाष्य में यहाँ पे रुखा नहीं, बोलते हैं आगे बोलते हैं कि बिल्कुल पशु के तरह ही मनुष्य का व्यवहार है,
जैसे पशु को तृण हरित पूर्ण घास दिखाओगे तो पशु आपके पास भाग के आएगा, डंडा दिखाओगे भाग के चला जाएगा। मनुष्य भी ऐसे व्यवहार करता है, कोई दो मीठी बात बोलता है उनके पास जाता है, कोई थोड़ा गाली सुनाते जाता है, पशु व्यवहार हमारे व्यवहार में कोई भिन्नता नहीं है। अध्यास भाष्य में देखना, शुरू में अध्यास सारा व्यवहार लौकिक वैदिक सारा व्यवहार अध्यास करके ही होता है, अविद्या का ही कार्य है। इतना स्पष्ट रीति अध्यात्म पक्ष, और इसीलिए ब्रह्मसूत्र किसी भी ग्रंथ को अर्थ करने के लिए आप देखिए उपघात ने क्या प्रतिज्ञा किया, चाहे भगवद गीता हो चाहे किसी भी उपनिषद में देखिए चाहे ब्रह्मसूत्र में, पहले भगवान भाष्य उपघात भाष्य लिखते हैं। उपघात भाष्य में स्पष्ट कर देते हैं क्या कि सारा जितना व्यवहार दिखाई दे रहा है जन्म मृत्यु जरा सब आध्यात्मिक है, अध्यास करके ही व्यवहार होता है, पारमार्थिक आत्मा में कोई व्यवहार होना संभव ही नहीं। अध्यास भाष्य वो पढ़ने के तरह से एक बार इसलिए बोलते हैं आप इसके बाद ये क्या सिद्ध होगा संग्रह किम सिद्धति इति जला इस प्रकार सर्व ही लौकिक वैदिकस्य व्यवहार अविद्य विषय एव इति तदा न निरोध इसलिए उस समय निरोध आदि कुछ नहीं है। ठीक है, व्यवहार मात्र अविद्य विषयत्य किम सत् इति चेत तदा ठीक है, सारा के सारा व्यवहार अविद्य से होता है, अविद्य के कारण द्वैत की प्रतीति होती है, अद्वैत में ही व्यवहार होता है, अद्वैत में व्यवहार होना संभव नहीं है। इसलिए बोलते हैं व्यवहार मात्रस्य अविद्या विषयत्वेपि जितना भी कुछ हम व्यवहार करते हैं वो अविद्या विषय होते हुए भी किम से उससे नुकसान तो बात क्या है, यदि जब यदि हम ऐसा प्रश्न करें तो तद अहं तो उसको तदा न निरोध। इसलिए तब यदि आपको समझ में आ गया कि ये जो है सारा अविद्यक है, ये केवल मनोकल्पना मात्र है, तब उसको मारने को उसको नाश करने की कोशिश ही मत करो, तब उसको नाश करने के नाश करने के क्योंकि आप उस लड़की को लट्ठी दे करके इतना और क्या हथियार दे करके मारने के लिए जाओ उस सर्प को आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कहाँ चलाओगे हथियार। ठीक इसी प्रकार यदि ये निश्चय हो जाता है ना कि शरीर इंद्र मन बुद्ध शुद्ध आत्मा भी कल्पित है, ये कल्पना करके मैं व्यवहार कर रहा हूँ, तो किसको रोकने का प्रयास, किसको उसमें व्यवहार के प्रयास पर रोकने के प्रयास मैं नहीं करूँगा, ये अत्यधिक मतलब इतना युक्ति को अपील करता है समझ में भी आता है परंतु अपनाने के लिए थोड़ा घबराहट होता है, जन्मांतर संस्कार इसका अपनाने के लिए घबराहट होता है। इसलिए हम बोलते हैं कुछ भी कर मत करो कि आप निरोध के लिए कोई प्रयास मत करो, तदा किम से तदा न निरोध उस समय निरोधन की आवश्यकता नहीं है, निरोधन निरोध प्रलय मतलब किसी को नाश करना था ये मुझसे ना रहे ये रहे ये किसी भी प्रकार की भावना ही मन में ना। अब यहाँ पे इस एक साथ को निरोध उत्पत्ति बद्ध साधक मोक्ष मुक्त ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तीन पाद का अर्थ बोलने का चतुर्थ पाद क्या है श्लोक में, इस श्लोक में चतुर्थ पाद क्या है, इत्येषा परमार्थता, इत्येषा यही परमार्थिक स्थिति इत्येषा परमार्थता, उसको बोलते हैं टीकाकार बोलते हैं चतुर्थ पाद अर्थम आह, चतुर्थ पाद के जो अभिप्रेत अर्थ है उसको भगवान नाचकार बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, उत्पत्ति प्रलययोर अभावात् बद्धादयो न सन्ति इति एषा परमार्थता, जब कोई वस्तु है ही नहीं आपके सामने शुद्ध एकाग्र पर निर्विशेष तत्व बैठे वहां पे कोई बद्ध साधक मुक्त मुमुक्षु कहां से आ जाएगा, इसलिए है नहीं वहां पे। उत्पत्ति प्रलययोर अभावात् कोई वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुई नाश भी नहीं होगा, इसलिए बद्धादयो न सन्ति कोई बद्ध कोई साधक कुछ भी नहीं है, कल्पना है हमारा इति एषा परमार्था दे परमार्थे स्थिति। उक्तम एव अर्थम प्रश्न प्रतिवचनाभ्यं प्रपंचयति, ये जो कथन करके आया उक्तम एव अर्थम जिस विषय को कथन करके आया उसको फिर प्रश्न उठा करके उत्तर के माध्यम से फिर दोबारा कहते हैं, उक्तम एव अर्थम जिस विषय को कथन करके आया उसी विषय को प्रश्न प्रतिवचनाभ्यं प्रश्न और उत्तर के माध्यम से प्रपंचयति विस्तार से कहते हैं। तब होता है कथम उत्पत्ति प्रलय और अभाव, ये प्रश्न भाग हो गया, ये उत्पत्ति और प्रलय दोनों के अभाव या कैसे बोल रहे हैं, या कैसे बोल रहे हैं कथम उत्पत्ति प्रलय और अभाव इति उच्यते, ये कैसे आप बोल सकते हैं। तब बोलते हैं क्योंकि द्वैतस्य असत्वादि संग्रह भाग है, ठीक है ना, कथम उक्तम एव अर्थम प्रश्न पदे प्रपंचे कथम इति द्वैत असत्यम श्रुति अवस्तम्भेन स्पष्टयति, ये प्रतिज्ञा वाक्य है अपनी प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के श्रुति वाक्य को सारे प्रमाण देते हैं,
दैत्य असत्य भेद बुद्धि जो है पारमार्थिक नहीं है। इसको इसके आधार पर उत्तर दे रहे स्तुति अवस्था में, स्तुति के आधार पर इसको स्पष्ट करके समझाते हैं। जत्र ही दैत्यमिव भवति नाना इव पश्यति, जहाँ पे अद्वैत जैसे दिखाई पड़ते हैं वहाँ पे एक दूसरे से बात करता है, यहाँ पे एक दूसरे से व्यवहार करता है। जहाँ पे कुछ द्वैत प्रपंच नहीं दिखाई देता तो वहाँ पे कोई किसी के साथ व्यवहार नहीं कर सकते, इसलिए अपने आप को इसलिए कि यह मृत्यु समृत्व साधना करते हैं। देखो जब तक ये भेद बुद्धि को बना कर रखोगे तब तक ये जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते ही क्या निश्चय करो आत्मा एव इदम सर्वं ब्रह्म एव इदम पुरुष एव इदम विश्व पुरुष एव इदम विश्व उस पूर्ण तत्व व्यापक शक्ति ही सारा संसार है। एकम एव अद्वितीय सजातीय विजातीय सर्वत्र भेद से रहित है। फिर इस लाइन में बोलते हैं द्वैतस्य असत्य कथम उत्पत्ति प्रलय न स्याताम इति आशंक। अब जो है द्वैत तो है नहीं, ठीक है ना, द्वैत असत्य द्वैत तो नहीं है, ये आपने कहा था। इतना मात्र से उत्पत्ति प्रलय भी नहीं है, ये कैसे बोल रहे हो? उत्पत्ति प्रलय न सका जिस प्रकार मान लीजिए कि एक ही वृत्ति का आपके पास उपादान है, ठीक है ना, तो वृत्ति का नहीं उपादान नहीं, ठीक है, वृत्ति का कोई उत्पत्ति नहीं है, मतलब वृत्ति का से कितना खराब प्रपंच उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए आपने ये कैसे कह दिया कि द्वैत तो नहीं है, इसीलिए जो है कोई उत्पत्ति सिद्धि अनाश भी नहीं, ये कैसे कह दिया आपने? हमें तो क्या दिखाई पड़ता है, ठीक है एक मृत्तिका ही था परंतु उस मृत्तिका से फिर अनेक प्रकार के महत्व उपकरण दिखाई पड़ता है, अनेक हो सकते हैं ऐसा अंदर ये छुपा हुआ है। द्वैत असत्य कथम उत्पत्ति प्रलय न स्याताम इति आशंका किम द्वैतस्य तो किम अद्वैतस्य। बोलो आत्मा की उत्पत्ति बोलते हो कि अनात्मा की उत्पत्ति बोलते हो? आत्मा की उत्पत्ति होना संभव नहीं है और अनात्मा की तो कल्पित वस्तु है, इसीलिए दोनों प्रकार के प्रश्न क्या क्या है कि द्वैतस्य तो दो मत को उत्पत्ति प्रलय हो, द्वैतस्य मतलब अनात्मा कौन बोल रहा है? हाँ बात यही उत्पत्ति प्रलय भी कल्पना ही है, अब तक कल्पित उत्पत्ति मारे कि अद्वैत शब्द अद्वैत में उत्पत्ति प्रलय इति आद्यम विकल्प दूषयति, पहले वाला विकल्प को दूषित करता है। क्या बोलते हैं कि सतो ही उत्पत्ति प्रलय वाश्य न असत है ना, विद्यमान होता तो हो सकता, विद्यमान वस्तु उत्पत्ति प्रलय होना संभव नहीं है। अद्वितीय क्या था? आत्मा की अनात्मा की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, तो है नहीं वो, और आत्मा की आत्मा का अद्वैत सिद्धांत भी हानि हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं कि द्वितीय प्रश्ना भी अद्वैत उत्पत्ति लियते वा अद्वैत की उत्पत्ति बना तो नहीं होना संभव नहीं है। आज ही फिर कि क्या समय हो गया थोड़ा सा हुआ पर ठीक है, इतना ही बहुत है डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा इसको अगमशांतमोहांधकारो नमस्ते शांति शांति शांति।